ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। बड़ी खबर वह रीवा से बता रहे कि रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय व विदाई समारोह आयोजित किए गए रहा जहां 35 साल के कार्यकाल के बाद अमृतलाल तिवारी के सेवानिवृत्ति के दौरान बता रही कि कुलपति के द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के द्वारा उनके सेवाकाल का सदैव याद रखा जाए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में विदाई समारोह के आयोजन कीन गा रहा अमृतलाल तिवारी अपन 35 साल के सेवा का पूर्व कही के सेवानिवृत्त भेज जहाँ नौकरी के दौरान गोपनीय कार्मिक लाइब्रेरी और विकास विभाग में पदस्थ रहे। कार्यकाल के आखिरी दिन विश्वविद्यालय के सभागार में विदाई समारोह के कार्यक्रम का आयोजित किया गया रहा। इस दौरान कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य के द्वारा कहा गया कि अमृतलाल तिवारी के द्वारा कार्य के प्रति समर्पण का विश्वविद्यालय हमेशा याद रखी। वह रिटायरमेंट के दौरान श्री तिवारी के द्वारा कहा गया कि नौकरी के दौरान कई दायित्व उनका मिले रहे जेकर जिम्मेदारी निर्वहन उनके द्वारा पूरी तरीके जिम्मेदारी से किया और अब सरकारी काम से मुक्त हो रहे हैं। विश्वविद्यालय में आगे जब कब उनकर आवश्यकता हुई उपलब्ध हुई। विदाई समारोह में रजिस्ट्रार सुरेंद्र सिंह परिहार प्रोफेसर सुभा तिवारी के साथ अलग अलग विभाग के प्रोफेसर और HOD मौजूद रहे। सजग रहे और सतर्क रहे कि आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम। सुभा तिवारी जी आज जिनका हम विश्वविद्यालय परिवार से विदा कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसे मान्यवर तिवारी जी मिश्रा जी आने को हम सब इंतजार कर रहे हैं। निर्मला जी आप सब और विश्वविद्यालय परिवार के हमारे सभी कर्मचारी बंधु परिवारजन हमारे विदा ले रहे साथियों के हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमारी लाइफ का एक हिस्सा टर्न आउट होता है जिसे हम लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो टर्निंग पॉइंट जब खासकर एक लंबी किसी नौकरी से सेवानिवृत्ति का यदि रहता है तो निश्चित वह इस काउंट के लिए रहता है, इस गणना के लिए रहता है कि कैसा जीवन रहा। यदि हमारे जीवन में हम अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सचेष्ट रहे हैं तो निश्चित शेष जीवन भी हमारा उतना ही आनंद का और प्रसन्नता का गुजरता है। और वर्तमान जो समय है उसमें बगैर किसी दाग के और हम विदा हो जाएं, क्योंकि अब ये सब काजल की कोठरियां हो रही हैं, धीरे धीरे एक प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं। इससे बचते हुए और हम अपने कर्तव्य निर्माण में आगे बढ़ जाए तो बहुत आनंद आता है। एक अच्छी बात है हमारे विश्वविद्यालय की कि जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है ये सब उस समय विश्वविद्यालय में आए जब ये विश्वविद्यालय अपनी प्रगति के सोपानों को गति देने के लिए प्रयासरत था। आज गति पर कुछ दिख रहा है निश्चित है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। यदि हम सब मिलकर इसके बारे में प्रयास करेंगे तो विश्वविद्यालय और अच्छा हो सकता है और ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम सबके लिए भी होगा। आज ये छोटी छोटी बेटियां हमारे बीच बैठी हैं, इनको यदि हम शिक्षा का अच्छा वातावरण दे पाए रीवा में, इनको उच्च शिक्षा में ऐसा मापदंड मिल सके कि अपने जीवन निर्धारण के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सके तो तय बात है कि फिर हमारे पसीने की बूंद वो उर्वरा बनकर और जन्म लेगी जो इस क्षेत्र को शिक्षा जगत में हम सबको रोशन करेगी। और मुझे विश्वास है कि सब मिलकर उसको पा सकते हैं, कठिन नहीं है। केवल कार्य को ईमानदारी से करने की तरफ और समय पर करने की तरफ हम प्रवृत्त होते जाएं, सने सने वो बदलाव भी हम महसूस कर रहे हैं। यहाँ सब वरिष्ठ कर्मचारी साथी बैठे हैं और उन सबकी मेहनत का सुफल है कि हम आज
चाहे प्रशासनिक कार्य हो, चाहे कार्मिक का हो, चाहे अन्य विभागों का हो, सब में प्रगति दिख रही है। उस प्रगति के हम सब कहीं ना कहीं घटक हैं और हमारे बीच जो साथी आज विदा हो रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि परिवार को वो और आनंद से सुखपूर्वक रख सकें और अपना शेष जीवन, जब तक जीवन है सतायु हो, लेकिन जब तक जीवन है स्वस्थ रहें और घर के आनंद के लिए उनका जीवन समर्पित रहे, ऐसी मंगल कामना परमात्मा से करता हूँ। और हम सब मिलकर इनके शेष जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सबके देखते देखते आप सबका जीवन खूब अच्छे आनंद मंगल से परिवार के विकास और वैभव के लिए हो, आनंद के लिए हो, इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सबको, परिजनों को, सभी साथियों को इस परिसर में बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।